Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सईद जोशी ब्लॉग में. तो नए दिन की शुरुआत करते हैं और सुबह का टाइम है, बज रहे हैं यहाँ पे 9:20 और नहा धो के पूजा पाठ करके मम्मी पूजा कर दी है, मैंने तो टीका लगाया और आरती आरती कर ली है. उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और नाश्ता पानी भी कर लिया है. धीरे चले गए हैं ड्यूटी को एंड इनकी नाइट ड्यूटी है, तो ये अभी आके जस्ट सोए हैं. सोए नहीं है मतलब आप सो रहे हैं. तो मैंने अभी बर्तन वर्तन सब धो दिया. सुबह का फिलहाल काम हो चुका है, इतना होता है सुबह का. तो थोड़ा बहुत अभी मैं गाय को, जो कल मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसके अंदर का जो होता है ना, तो वो मैं गाय को देने जा रही हूँ. और कल हमें पुदीना भी हुआ था, बताई थी मम्मी, तो मैं पुदीना भी लाऊँगी थोड़ा सा. और फिर मैं देखती हूँ चटनी बनाऊँगी थोड़ी, और ठीक है. और आज कल कोशिश करी रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाने की, है तो कुछ नहीं कंटेंट बनाने को, बट फिर भी ऐसी बना ले रही हूँ. आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है. और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है. अभी मैं जाती हूँ गाय को रोक दोस्तों. मैंने पकड़ लिया है ये कद्दू का, वो इसको देख के आते फटा. बाहर ना वीडियो अच्छी आती है साफ साफ की. देखो अभी मैं बाहर आ गई हूँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा. और कल ना यहाँ पे नाली में सांप था तो मुझे उसकी भी डर लगी रही थी. बार बार चेक कर रही थी कहीं है तो नहीं. दोस्तों सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर में यहीं पर बैठ गई हूँ सीढ़ी में. हवा जैसे चल रही है ना, गर्मी हो रही है तो हवा कहाँ मिल रही है. आजकल आए तो रोटी ना ये देने जा रही हूँ, तो मुझे एक न्यू सब्सक्राइबर मिला और यहाँ पे बोलते रहता है भाभी नमस्ते भाभी नमस्ते. तो बोल रहा है कितने सब्सक्राइबर हो गए, मैंने कहा 1K हो गए. तो कह रहा है कि, मैंने कहा कह रहा मेरे भी 37 हो गए. मैंने कहा तुम्हारे भी चैनल है? तो बोल रहा है हाँ. चिल आउट विद आशीष करके, ठीक है देखूँगी. चलो पे जैसे हम पहाड़ों में गोबर को इकट्ठा कर देते हैं ना, खाद बना देते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी इकट्ठा खाद नहीं मिलेगी. सारे गोबर के उपले बना देते हैं. देखो बाद में दे देंगे अपने आप इनके मालिक, ठीक है. ये और क्या, यहाँ पर पुदीना चोरी कर लूँ मैं, थोड़ी सी कर लेती हूँ, माफ़ करना जिसका भी है. बहुत हो रहा है पुदीना, वैसे तो पुदीना होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं. ये देखो इतना निकाल लिया मैंने पुदीना भी, तो ज़्यादा तो नहीं लिया, बस इतना ही लिया मैंने. किसी की चोरी करना भी अच्छी बात नहीं होती ना. दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर, ठीक है. पुदीने को मैं अब कटोरे में मिला के दे देती हूँ. जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे सब निकल जाएंगे दिन तक. फिर इसकी चटनी बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी. इतना ही लाई मैं, ज़्यादा नहीं लाई. सामान पड़ा हुआ है दोस्तों, कल ये लेके आए थे ना, तो उनको भी मुझे कुछ लगाने हैं. अभी लगा लेती हूँ, कल देर हो गई थी रात में. तो ये है एक नमकीन की पैकेट, पंचरत्न वाली, बहुत पसंद है इनको. वहाँ की मैंने दाल मंगाई थी, तेल है सरसों का, मैगी की पैकेट, मैगी भी इनको बहुत पसंद है. तो एक मैगी ले आए हैं, मैगी तो मैंने नहीं बोला था, खुद ही लेके आ रखे अपनी मर्जी से. मैंने कहा था कि दाल ले आना, सारी दाल इसमें है. ये मसूर की दाल भी बोली थी मैंने, अखा मसूर होती है ना, कभी कभी अच्छा लगता है खाने में. तो ये भी ले आए हैं, बाकी ये छोड़े इनकी फेवरेट है तो ये भी ले आए. मूंगफली, कभी व्रत होता है मम्मी का तो उसके लिए. एंड यहाँ पे मखाने भी मम्मी के व्रत के लिए. बाकी यहाँ पे है तो ये रिफाइंड तेल होगा, हाँ जी ये रिफाइंड का तेल है. ये रेड पेस्ट फॉर टीथ एंड गम्स डाबर का, ठीक है. ये हो गया हमारा मसाला, सब्जी मसाला, ठीक है. ये भी ज़रूरत नहीं थी वैसे, हैंड वॉश के पैकेट हैं रिफिल वाले. ये क्या है, ये साबुन, ये मसाला, मैगी मसाला. मसालों का इनको बहुत शौक है दोस्तों, ये अलग अलग मसाले, इनके बिना भी तो काम चल जाता. सरसों का तेल दो, ये धनिया पाउडर, विम, नमक. चार मसाला की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी ले आए. अग्नि चाय तो ज़रूरत थी. ये है हमारा रिफाइंड ऑयल, दो दो पैकेट लेके आ रखे हैं. चलो ये सही है. धनिया पाउडर हो गया,
मैंने देखा भी नहीं क्या क्या टैंग लेके आया। अब ये ऐसे ही रहेगा देखना, जब तक मैं इनको बना के पिलाऊंगी नहीं ना, ये पैकेट ऐसे ही रहेगा। फिर एक्सपायर डेट हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ पीनी भी है करके। इतनी चीज़ें ऐसी होती है वहाँ फ्रिज में रखी रखी, मैं देखती हूँ तो एक्सपायर हो चुकी होती है वो। ले आते हैं, पर शौक नहीं है कि बना के पी लूँ, जब मैं दूँगी तभी पियेंगे। ये दूसरा टैंग अलग अलग फ्लेवर का, बहुत शौक है ऐसी चीज़ें लाने का। ये क्या होगा, ये सेजवान फ्राइड राइस मसाला, खाली पैसों का वेस्ट। ये क्या है, दम आलू मसाला, आप बताओ। और ये रही हमारी चीनी, तो ज़रूरी थी। एंड ये है हिट का कॉकरोच हो गए दोस्तों, बहुत सारे, तो उसको मारने के लिए ना ये वाली ट्यूब बहुत असरदार है। ऐसे लगाई तो थी हमने कुछ दिन पहले ना, हमने ये वाली ट्यूब लगाई थी तो बहुत सारे कॉकरोच मर गए, मतलब और जितने भी झाड़ू लगा रही थी तो ऐसे मरे हुए कॉकरोच आ रहे थे बाहर। लेकिन अब कुछ दिनों से बहुत और बढ़ गए हैं, दो चार मैं देख रही हूँ कि ऐसे जैसे किचन खोलूँ ना तो अंदर को आते समय वैसे ही फर्श पे दिख रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, रात को सोते समय आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये ले आना दोबारा से। और 100 कितने की है ये ट्यूब, कितना लिखा है इसमें, 300। ये 170 की थी पहले, जो वो जो पहला था हमारा पहले पुराना था ना, अरे 300 की हो चुकी है, नहीं सर 270, अब ये 300 की हो चुकी है ये वाली है। देख लो, अगर किसी को ज़रूरी मतलब कॉकरोच हो गया किसी घर में तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। हीट का है, एंडी रोज जेल है, ये ट्यूब के फॉर्म में आता है तो ये असरदार है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये, आज मैं भी इसको रात को कहूँगी मम्मी से लगा दो या मैं ही लगा दूँगी, जो भी हो। फैलावा हो रखा है यहाँ पे, अब मेरे को ये सामान लगाना है। पहले मैं ये सामान लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों सामान वगैरह भी रख लिया है बस, अब मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर मिलूंगी आपको दिन के खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, दिन का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल भात, और मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया है और दाल चढ़ा रही हूँ अभी। आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, जो अखा मसूर होता है यानी कि छिलके वाले मसूर, उसकी दाल बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। धोके मैंने रख दिया, यहाँ पर टमाटर भी काट दिया, और यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और हींग वगैरह डाल के तड़का लगा दिया है, उसको थोड़ी देर भूनते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं भांग भून रही हूँ चटनी बनाने के लिए, और साइड बाय साइड बन रहे हैं हमारे चावल और दाल अभी पकी नहीं है, चावल तो पक चुके हैं। तो आम और पुदीना की चटनी बनाना कह रहे थे कब से, तो मैंने आज वही बना दी, और उसके साथ मैंने मिक्स कर दिया उसमें भांग, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये हमारी चटनी बनके तैयार है। खाना पीना बन चुका है मेरा, यहाँ पे मैंने खीरा और प्याज भी काट दिया है, दाल चावल और चटनी सब कुछ रेडी। चावल, ये रहा हमारा सलाद, और ये है चटनी, पहले दाल बना थी मैंने, और हमारा खाना पीना चल रहा है। ठीक है दोस्तों, दाल बहुत टेस्टी होती है सच में। खाती हुई बिल्ली को देखो कैसे सोई है जीभ निकाल के, तब से हम लोग इतना हंस रहे हैं इसको देख के, देखो ये, और कुछ भी तब से इतनी देर होगी ये। हेलो, अंदर डाल दिया, सो जा, परेशान कर दिया बेचारी को। देखा आपने अभी कैसे ऐसे करके जीभ निकाली थी उसने अच्छे से, फिर उसकी जीभ ऐसे पकड़ दी मैंने बाहर को, तो फिर उठ गई। मैं थोड़ा छत में जा रही हूँ घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी को। ठीक है, हाय बोलो दोस्तों। अंधेरा भी होने लग गया है और मैं थोड़ी देर हो गई मुझे घूमते हुए, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बैंगन की सब्जी बनाई है मैंने, ये देखो, और इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है, और जो लाइट बंद कर देती हूँ पहले। तो दोस्तों जो बैंगन की सब्जी होती है ना, उसमें ना तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, और मैंने उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगा रखा है, और उसमें आज वो भी डाल देंगे हम, तो उसको ये लेके आए थे ना मैगी मसाला, ऐसे उस टाइम में बोली थी क्यों लाई करके, लेकिन अभी डाल दिया उसका तो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।